चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा के दोबारा देखने के लिए घंटी। कंप्रेशर बार बार ट्रिप क्यों होता है, दोनों इशू का आज मैं बताता हूँ आप तो वो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के चलो, मेरे बब्बर शेरो। आज मेरी वीडियो किस बेसिक में है, आज जो मेरी वीडियो मैं बताना चाहता हूँ, टेम्परेचर चल रहा है 47-48 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें आपके घर का एसी हो गया, आपके जहाँ काम कर रहे होंगे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके फेस कर रहे होंगे कि कंप्रेशर बार बार हीट हो जाता है, जिससे मशीन कंप्रेशर बार बार कट ऑफ कर जाता है। तो आपके घर में भी एसी लगा होगा, वही यही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम करता होगा, चलता होगा तो कुछ दिनों देर बाद उसका कंप्रेशर ट्रिप करता होगा, तो ठंडी हवा आने के बजाय हरी गर्म हवा फेंकता होगा। ये हो इस टेम्परेचर में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज बढ़ी जा रहा है, हमारे जो कंप्रेशर हैं वो 42 डिग्री टेम्परेचर तक बने हुए हैं, मगर टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है। जो उसकी कंडेंसिंग पावर होती है, उसको कंडेंसिंग के लिए जो एयर चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, वो कंडेंसर ओवर चलता है, जिससे कंप्रेशर हीटअप हो जाता है। तो हीटअप होने के कारण कंप्रेशर ट्रिप कर जाता है, वो ट्रिप होने के बाद एक एक घंटा दो दो घंटा नहीं चलता, जब तक उसका कंप्रेशर ठंडा नहीं होता, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर एक सेफ्टी ओवरलोड लगा होता है, जिससे जैसे ही हेड बढ़ेगा तो उसका सेफ्टी वॉल्व जो खुल जाता है वो जिस सप्लाई उसके अंदर कंप्रेशर की बंद कर देता है, जिससे कंप्रेशर ट्रिप कर जाता है। ये सेफ्टी के लिए बना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आपकी मशीनें भी, आपके घर के एयर कंडीशन भी इतने प्रॉब्लम कर रहे होंगे, आपको इतनी फेस करनी पड़े होगी कि मेरे को इतने कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने सबसे यही बोलता रहता हूँ, तो आपके घर में भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर किस कस्टमर हैं या लड़के हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये फेस करनी पड़ेगी, मशीन बार बार कट ऑफ हो रही है। आज आपको ये एक सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, जो आप घर पे कर सकते हैं अपने एसी में, तो आपका मशीनरी आपकी इस मौसम में काम करेगी। पहला, जो आपके घर में स्टेपलाइजर देखो होंगे, अगर जिनके घर में स्टेपलाइजर नहीं लगा वो स्टेपलाइजर ज़रूर लगाएं, और स्टेपलाइजर इसलिए लगाना चाहें क्योंकि इस मौसम में हर घर में आप एसी चलने लगा लोगे स्टार्ट होते हैं, कि कंज्यूम हमारी पावर की होती है वो कम हो जाती है, जो तो पीछे से पावर का लोड कम हो जाता है, क्योंकि इकट्ठे इतने एसी चल जाते हैं, इतना लोड उठा लेती है हमारे लगा लो एरियों में, तो लोड कम हो जाता है, जिससे जो हमारे कंप्रेशर को 200 वोल्टेज चाहिए होती है, तो पीछे से आ रही 170-180 आती है, जिससे कंप्रेशर हीट हो गए बंद हो जाता है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा स्टेपलाइजर लगाएं, जो मेन कॉपर का होना चाहिए, 140 से आपका जो स्टेपलाइजर होना चाहिए, और अच्छी कंपनी का होना चाहिए जो कॉपर में हो, टू स्टेप का होना चाहिए, 140 से 260 तक आपकी जो बिजली है उसको आपको प्रॉपर जो कंप्रेशर को चाहिए उतनी दे। पहला तो ये है। दूसरा हो गया कि आपने कुछ बहुत टाइम से सर्विस नहीं कराई होगी, तो प्लीज़ आप जिस इंजीनियर से बात करते हैं प्लीज़ उनको फ़ोन कीजिए, वो सर्विस उसकी पूरी खोल के करवाएं, कंडेंसर जो पीछे जाम हो जाता है, जिससे हीट इतनी बढ़ जाती है, जिससे एसी बार बार कंप्रेशर ट्रिप करता है, क्योंकि पीछे से अगर कंडेंसर चोक होगा तो मशीन का हेड बढ़ेगा, कंप्रेशर का लोड बढ़ेगा, जिससे कंप्रेशर ट्रिप हो जाएगा, तो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, 15-20 घंटे के बाद वो कंप्रेशर ट्रिप करता है। मेन दूसरा ये है रीज़न, तो आप उसका कंडेंसर अच्छी तरह वॉश करवा दें, या फिर कि आपने वॉश क्या करना है, आप थोड़ा सा पीछे पानी का मग्गा डाल सकते हैं, तो जिससे आपकी लगा लो जो इंजीनियर नहीं आ पाता, तो आप जो कंडेंसर होता है, जो बैक साइड की होती है, जो कंडेंसर जहाँ पे गर्म हवा निकलती है, जो उसकी ड्रेन की होती है, क्योंकि ड्रेन जो होता है इस मौसम में पानी बहुत कम बनाता है, तो जितना भी पानी बनाएगा वो कंडेंसर के अंदर सेव हो जाएगा, उसके अंदर पॉलीथीन जो ड्रेन की जो पॉइंट्स है पानी निकलने के, उसको बंद, ड्रेन की नोजल को बंद कर दें पॉलीथीन से, जिससे पानी ना निकले, बंद कर दें, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर अगर कंडेंसर के तरफ पानी स्टोर होगा, तो हमारा कंडेंसर के अंदर जो
जो कंडेंसर का फैन लगा हुआ है विंडो एसी का, तो उसमें ये है कि उनमें एक रिंग बना होता है, आपने देखा होगा जब भी चला, एक रिंग गोल सा बना होता है। ये इसलिए बना होता है कि कंडेंसर का जो पानी होता है उसको निकाल उठा के कंडेंसर पे मारे, जिससे आपका कंडेंसर ठंडा चले। तो इस मोटर मौसम में पानी बनता नहीं है, बस जितना ही पानी बनेगा, हल्का सा ही बने, आपने बस इतना करना है, इतने टेम्परेचर में आपने इसकी ड्रेन में पॉलीथीन से बंद कर देना कि पानी बाहर ना निकले। तो आपको बस एक मग्गा पीछे से कंडेंसर में पानी डाल दें, तो जिससे ये होगा कि आपकी जो मशीन है वो ठंडी चलेगी। और आप इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं अगर वह नहीं हो रहा है, ये छोटा सा ऑप्शन बता रहा हूँ, आप एसी बंद करके पीछे से पानी डाल दें, और अगर उस एसी आपका चल जाएगा, क्योंकि हमारा कंडेंसर वो पानी उठा के कंडेंसर पे मारेगा, जिससे कंप्रेशर का जो कंडेंसिंग है वो ठंडा चलेगा, जिससे आपके कंप्रेशर का लोड कम हो जाएगा और आपकी सेफ्टी के लिए बिजली का पॉइंट्स भी काफ़ी कम में लगा लोगे, रीडिंग भी कम आएगी, क्योंकि जितना कंडेंसर ठंडा चलता है उतनी कूलिंग अंदर रूम की अच्छी हो जाएगी। तो आपने इंजीनियर को कॉल करनी है, वो आगे आपकी केमिकल सर्विस होगी या नॉर्मल सर्विस होगी वो करनी है। और तीसरा बताना चाहता हूँ, हमारे जो स्प्लिट एसी हैं, हमारे स्प्लिट एसी हैं, तो मेन जो प्रॉब्लम होती है कि वो भी ट्रिप होते हैं, तो कंडेंसिंग प्रॉब्लम में ये भी होती है कि इसका आप छत पे जाएं या बाहर लगा हुआ, तो मेन इसकी कंडेंसिंग आउटडोर की लोकेशन देख लिया करें कि इसकी जो कंडेंसिंग हीट है, हमारे मैं बता रहा हूँ, हमारे जो कंडेंसिंग फ़ैन की हीट है कि प्रॉपर 7 फुट तक इसको एयर पासिंग होनी चाहिए, शाफट में एसी नहीं लग पाएगा। तो इस मौसम में मशीन इतना हेड बनाती, इतना गर्म हो जाता है, तो शाफट में नहीं चल पाता, मशीन बार बार कटअप करती है। तो अगर शाफट में नहीं लगा, अगर छत पे लगा हुआ, तो प्लीज़ उसको आप पानी से पूरा वॉश कर सकते हैं, जिससे आपकी मशीनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कटअप की। तो ये दो आपको मैंने चांस बताए थे जो आपने करने हैं। तो मेन आपने जो भी काम कर रहे हैं, मेन ये है कि बरसातों के टाइम में पानी बहुत बनाता है, जो विंडो की पॉलीथीन निकाल दे, जो क्योंकि ओवरफ्लो ना हो जाए, क्योंकि बहुत मॉइस्चर बनाता है, तो वो पॉलीथीन निकाल दें। और स्प्लिट में तो यही ऑप्शन है कि उसकी आप वॉशिंग कर लेंगे आराम से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडेंसर है पीछे, उसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, पानी का प्रेशर मार देंगे, या आप मग्गे से भी इसको अगर डेली बाय डेली करते रहेंगे तो कंडेंसर भी साइड से पानी मारे, कंडेंसर इतना ठंडा चलेगा और आपके घर की बिजली की रीडिंग भी कम चलेगी और कूलिंग भी अच्छी होगी। तो ये मेरी वीडियो इतनी थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी कॉल्स आ रही थी, तो मैंने ये वीडियो में सब मेरे से यही पूछ रहे थे, ये भैया ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कि मैंने इनको यही सलूशन देता था, बस विंडो की ड्रेन की बंद कर दें और एक मग्गा पीछे, क्योंकि पानी हमारे को ये है, आप सोच रहे हो कूलर को एसी को कूलर बना दिया है, मगर हमारे इस मौसम में जो कंडेंसर है वो इतना हीट करता, वो पानी नहीं बना सकता, क्योंकि टेम्परेचर इतना बाहर का चलता है, वो पानी नहीं बनाता जो हमारे कंडेंसर को चाहिए होता है। मगर हमें जून जुलाई में जो इतनी गर्मी पड़ रही है, उसकी ड्रेन बंद करके उसमें एक पानी का मग्गा डालना पड़ता है, बस एक ही मग्गा डालना, ज़्यादा मग्गे नहीं डालने, एक ही मग्गा डालेंगे, वो इतना ठंडा चलेगा, ज़्यादा मॉइस्चर बनाएगा, जिससे आपका कंडेंसर बार बार साफ होता रहेगा और आपका लगा लो कि एसी भी काम करता रहेगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कॉन्टैक्ट थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, पूरा गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के कॉल, मेरी अगली वीडियो एक सरप्राइज़ है आपके लिए, मार्केट में एक ऐसा एसी आया जो सब एसियों की क्वालिटी को डाउन कर देगा, LG भूल जाओगे, वोल्टस भूल जाओगे, सारे ब्रांड भूल जाओगे, जो हमारे मार्केट में नंबर 1 कंपनी है, उन्होंने एक विंडो एसी लॉन्च किया, तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आपको दिखाना, मेरी अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो आपको दिखाऊंगा वो कौन सी ब्रांड का एसी है और कैसा एसी है, जो आपके घर में एकदम नंबर 1 क्वालिटी में चलेगा, जिसकी आपको सर्विस भी अच्छी लगेगी और ब्रांड की क्वालिटी भी जेन्युइन होगी। तो भाइयों, अगली वीडियो में मिलूंगा, मैं AP सिंह, मास्टर स्कूल सपोर्ट से, भैया अपना ख्याल रखना।